पठानकोट एयरपोर्ट शुरू होने के बाद जनता जरूर खुश है कि उनको दिल्ली जाने के लिए अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता, परंतु जो रोड एयरपोर्ट की तरफ जाती है उनकी हालत तस्वीरें खुद ही बयान कर रही है। इलीगल माइनिंग के कारण बह चुकी रोड के कई गाँव के लोग प्रभावित होते हैं और साथ ही जो टूरिस्ट आते हैं उनके बीच भी पठानकोट की छवि ठीक नहीं रहती। केवल दो दिन की बरसात नहीं ये एयरपोर्ट रोड बह गया। आम जनता का कहना है कि ये रोड तो वैसे भी खराब है और हर साल बरसात में अक्सर ये बह जाता है। इस रोड का काम हाल ही में करवाया गया था लेकिन सही ढंग से काम न होने के कारण ये एक भी बरसात नहीं झेल सका और बह गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। सारे रोड जो पीछे बनाया रोड इन्हें सही तरह का बनाया नहीं, इन्हों थलो दीवार दे के माल पाना चाहता, इन्हें इन्हें चल पत्रा काम किया, इन्हें थलो माल चक्की चो पुट के तो वो माल पाता उपर है 25-26 लाख रुपया नजायज गया जाके तो रोड फिर दरेटा पै गई बिच जाके तो रोड गया। इसलिए तुम्हें पता एयरपोर्ट भी चलिया पाया है, एयरपोर्ट की सब यात्री आ रहे हैं, बड़ी गड्डिया भी निकल रही इतों तो हूँ इन्हों चाहिए भी बड़ी गड्डिया बंद कर रही हैवी जी मैनिंग हो रही है, इनकी गड्डिया बंद की कारा नंगी जाओ और कुछ ना जाए। बहुत रस्ता बहुत माड़ा बनाया है, थे बजरा पाया बिल्कुल मिट्टी पाई हुई है, रोड सारा टुट गया है, गड्डिया हैवी लंघ रही हैं और इस करके गड्डिया बंद कर चुकी जा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों बहुत दिक्कत आ रही है, रोड पर टुट चुका है, इस करके सरकार अगर बेनती है रोड सही तरीके बनाया जाए। इस करिए एयरपोर्ट भी चालू हो चुका है, आर्मी हॉस्पिटल लगे गया है, रबनगर भी अभिनव भी चालू हो चुके, मतलब बड़ी दिक्कत आ सकती है, कोर्ट में ट्रक लंघते हैं वो बंद किए जाए, सरकार अगर बेनती है रोड वही तरीके बनाया जाए, तो जो रस्ता देखो हालत बहुत माड़ी हो चुकी है। जागती लाइट के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।